गुड आफ्टरनून एवरी वन एंड वेलकम टू पेंडलम EDU. पेंडलम EDU पे आप सभी का स्वागत है. SSC CHSL प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेशन में आज हम लोग 21 अक्टूबर 2020 आफ्टरनून शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट के हम लोग क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के. तो फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए गाइज, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए गाइज, और मुझे एक बार कन्फर्म कर दीजिए आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है. सेशन की शुरुआत हो चुकी है. सो गाइज, इसके अलावा हम लोग की SSC के लिए पूरा फुल कोर्स चल रहा है. आपको CHSL के इंग्लिश के सारे प्रीवियस ईयर करा चुके हैं, क्वांट के अभी चल रहे हैं, और जनरल अवेयरनेस के भी मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं. इसके बाद हम लोग CGL पिकअप करेंगे, CGL के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे. एंड सुबह रोज़ 8 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको ज़रूर अटेंड करिए, बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है. साथ ही आप हमारी वेबसाइट pendlamedu.com पर विजिट करिए, वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए, देन क्विजेज आपके लिए अवेलेबल है, मॉक टेस्ट है, तो उनको आप अटेम्प्ट करिए. सो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं. हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुका है? गुड आफ्टरनून राहुल, हाय अरिक, करिश्मा, तनिशा, हेलो एवरीवन. चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सेशन की. सो क्वेश्चंस देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी को हम किससे नापते हैं? फैथोमीटर, गैल्वेनोमीटर, हाइग्रोमीटर एंड हाइड्रोमीटर. फटाफट से बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए. फैथोमीटर, गैल्वेनोमीटर, हाइग्रोमीटर एंड हाइड्रोमीटर, जल्दी से बताइए. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर. दिस इज यूज टू मेजर योर ह्यूमिडिटी. ठीक है, जो फैथोमीटर होता है, फैथोमीटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? कौन बताने वाला है? एनीवन? फैथोमीटर आपका डेप्थ ऑफ ओशन को मेजर करने के लिए यूज होता है. ठीक है, गैल्वेनोमीटर बताइए, गैल्वेनोमीटर कौन सा डिवाइस है आपका, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है गैल्वेनोमीटर को? सो दिस इज बेसिकली यूज फॉर मेजरिंग स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, छोटे छोटे जो आपके इलेक्ट्रिक करंट होता है छोटा अमाउंट का, तो वहाँ पर आपका उसको मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका जो मूविंग कॉयल है उसका डिफ्लेक्शन होता है, उसकी वजह से हमें पता चलता है. ठीक है, तो इस तरह से रहता है, सेंटर में आपका जीरो रहता है गैल्वेनोमीटर में, और इधर आपका कैलिब्रेशंस होती है. ठीक है, अच्छा, हाइड्रोमीटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? जैसे नाम से ही समझ में आ रहा, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर यानी कि आपका क्या मेजर करेगा ये? ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को ये मेजर करता है. ठीक है, तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट है ये काम करता है आपका, हाइड्रोमीटर. यस तनिषा, राइट करिश्मा, राहुल, करिश्मा, तनिषा, यस करेक्ट आंसर है बिल्कुल. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए. द फर्स्ट बारकोड सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय डैश, पहला बारकोड सिस्टम किसने डेवलप किया था? नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, जॉन मैकार्थी, जॉन बार्गर एंड डेविड ब्रैडले. यस, फटाफट से बताइए. सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड. ठीक है, अरे इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, दैट इज नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड. ठीक है, पहला बार कोड सिस्टम इनके द्वारा डेवलप किया गया था. तनिषा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. करिश्मा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, बी नहीं होगा. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स इज फ्रॉम केरला? केरला से कौन सा आपका मार्शल आर्ट फॉर्म है? पाइका, अखाड़ा, गटका, कलारी पयट्टू एंड सिलम्बम. चलिए जल्दी से बताइए, ये तो 2-3 बार हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जल्दी से बताइए. यस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज कलारी पयट्टू. कलारी पयट्टू आपका फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट है फ्रॉम केरला. गटका कहाँ का है? पंजाब का है. ठीक है, पाइका अखाड़ा कहाँ का है? उड़ीसा का है. ठीक है, दिस इज उड़िया टर्म. ठीक है, उड़ीसा का है ये आपका पाइका अखाड़ा. अच्छा, इसके अलावा जो आपका सिलम्बम है, सिलम्बम नाम से जैसे समझ में आ रहा है सिलम्बम, तो ये कहाँ का हो सकता है? जल्दी से बताइए, गैस करिए, सिलम्बम कहाँ का हो सकता है आपका? तो ये साउथ से कुछ आप लिंक कर सकते हैं इसको नाम से, है ना? तो ये आपका कहाँ का है? तो केरला का ही जो पड़ोसी है तमिलनाडु, वहाँ का है ये. ठीक है, कहाँ का है सिलम्बम आपका? तमिलनाडु का. ठीक है, वैसे तो साउथ इंडिया में काफ़ी जगह पे होता है, लेकिन
आप इसको तमिलनाडु का इसको ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, यस ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उमेश, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी वेदांगास आर देयर इन टोटल, टोटल वेदांगास कितने हैं, 10, 6, 5 एंड 2। चलिए जल्दी से बताइए, करिश्मा, राहुल, उमेश, तनिषा, जल्दी से बताइए टोटल कितने वेदांगास हैं, वेदांगास कितने हैं टोटल। तो टोटल आपके 6 वेदांगास हैं। क्या आप नाम बता सकते हैं इन वेदांगास का, वेदांगास का आप नाम बता सकते हैं, शिक्षा, चंदा, निरुक्ता, ये नाम याद होने चाहिए आप लोग को, व्याकरण, देन कल्पना एंड ज्योतिषा। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये आपके वेदांगाज है, 6 वेदांगाज है आपके। तो वेदा में आपके एक तो उपवेद हो गए, एक आपके वेदांगाज हो गए, ये क्या होते हैं लिम्ब ऑफ वेदास कहते हैं इनको, क्या कहते हैं लिम्ब ऑफ वेदास। ठीक है, वेदा के अंग वेदांगाज, ठीक है लिम्ब ऑफ वेदा कहते हैं। चलिए राइट, सिर्फ उमेश ने करेक्ट आंसर बताया है, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी दैट इज 6। चलिए यस राइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं नेक्स्ट। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन हर्ट्स, साउंड की कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हर्ट्स में नापा जाता है, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, वेवलेंथ एंड लाउडनेस। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो आप वैसे भी गेस कर सकते हो, है ना, जल्दी से बताइए। यस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, साउंड की फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्स में। ठीक है, यस राइट, अरे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज हर्ट्स, राइट। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर डिड नीति आयोग कम इन टू एग्जिस्टेंस। हेलो आशीष, आशीष भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। यस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है प्रीवियस क्वेश्चन का। यस, करिश्मा, राहुल, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ईजी है, इन विच ईयर डिड नीति आयोग केम इन टू एग्जिस्टेंस, 2014, 13, 15 एंड 16। नीति आयोग कब बना था, ये तो बहुत ही जल्दी आंसर आना चाहिए इसका। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी दैट इज 2015 में। तो 1 जनवरी 2015 में एग्जिस्टेंस में आया था, इसने रिप्लेस किसको किया था, इट रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। अभी वाइस चेयरपर्सन कौन है, नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन का नाम बताइए फटाफट से। यस, 2015 करेक्ट है आशीष, करिश्मा, राइट। यस, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, राइट करिश्मा, बिल्कुल सही है। यस यस तनिषा, राहुल, फटाफट से बताइए मुझे वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग के कौन है। क्विकली बताइए गाइस, वाइस चेयरपर्सन कह लो, वाइस चेयरमैन कह लो, सो कौन है, राजीव कुमार है। ठीक है, नहीं अमिताभ कांत नहीं है, राजीव कुमार है। ठीक है, जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन द टर्म मॉनसून इज डिराइव फ्रॉम अ डैश इटालियन वर्ड, लैटिन वर्ड, अरेबिक वर्ड एंड ग्रीक वर्ड। मॉनसून शब्द आया है आपका वर्ड मौसम से, और मौसम जो है ये आपका शब्द कौन सा शब्द है, इटालियन, लैटिन, अरेबिक एंड ग्रीक। देखिए ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना हम बचपन में, ठीक है, वहाँ से देखिए इतना इजी लेवल का क्वेश्चन भी पूछा गया, लेकिन ये चीज़ें हम कभी कभी स्किप कर देते हैं, है ना। तो जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दैट इज अरेबिक वर्ड, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट विद द टू हाउसेस कम इनटू बीइंग इन इंडिया, 1952, 1953, 1954 एंड 1955। चलिए जल्दी से बताइए, फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट जो थी हमारी विद टू हाउसेस वो कब आई थी आपकी। यस, जल्दी से बताइए, तनिषा, करिश्मा, राहुल, आशीष, उमेश, यस फटाफट से बताइए। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा दैट इज 1952।
ठीक है। चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया। सो जजमेंट द इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया के ऑथर कौन है? के एम मुंशी, इंदिरा गांधी, कुलदीप नायर एंड जवाहरलाल नेहरू। फटाफट से कमेंट करके बताइए गाइस, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यस, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुलदीप नायर जो है इस बुक के राइटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हम लोग। हु अमंग द फॉलोइंग इज निकनेम्ड एज बाल्टीमोर बुलेट। तो यहाँ पर बाल्टीमोर बुलेट के तौर पर किसको निकनेम किया गया है? टॉम जगेर, आयन थॉर्पे, मैट बियॉन्दी एंड माइकल फिल्प्स। जल्दी से बताइएगा इसे, फटाफट से बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। क्विकली बताइए गाइस, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज माइकल फेल्प्स। ठीक है, माइकल फेल्प्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन जनवरी 2020 हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द फर्स्ट गिडर ऑफ द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे एंड बाल ठाकरे। तो देखिए, 2020 के करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला गिर्डर जो है ये मुंबई ट्रांसपोर्ट हार्बर लिंक का ही किसने लॉन्च किया था। सो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ये जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए कमेंट करके। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हु इनॉग्रेटेड द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव इन न्यू दिल्ली इन नवंबर 2019। 2019 में देखिए पूछा गया कि नेशनल ट्राइबल जो आदि महोत्सव था वो किसने इनॉग्रेट किया था। तो स्मृति ईरानी, अमित शाह, एन सीतारमन, निर्मला सीतारमन एंड नरेंद्र मोदी। क्योंकि 2019 का करंट अफेयर है तो मे बी आपको नहीं पता होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज अमित शाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द 2019 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स। कौन सी कंट्री जो है उसने फर्स्ट रैंक किया है 2019 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स में? आयरलैंड, जर्मनी, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। यस, जल्दी से बताइए, 2019 का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। 2019 का यहाँ पर पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो अब आने वाले हो सकता है शिफ्ट में कभी आपका एग्जाम होगा तो उसमें आपको 2020 का पूछ ले। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको ऐसे ही रिलेट करके पढ़नी है। करंट अफेयर से क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, यस आशीष करिश्मा, राइट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु वन द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2019। 2019 में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया था? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। ध्यानचंद, प्रगत सिंह, दिलीप तिरके एंड मनप्रीत सिंह। यहाँ पर करेक्ट आंसर आना चाहिए सबका, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। यस, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, राइट। आशीष, तनिषा, राहुल, करिश्मा, राइट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखना। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है आपके कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया किया जाता है? आपका असम, मेघालय, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। यस अरेक, राइट उमेश, राइट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यस यस राहुल, प्रीवियस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज नागालैंड। तो नागालैंड में आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो आपका मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। कौन से साल में तेलंगाना एक अलग स्टेट राज्य बना था भारत का? 2015, 2014, 2016 या फिर 2017, फटाफट से बताइए।
फटाफट से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। यस राइट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 2014। गाइज मेंटेन डेकोरम ऑफ द क्लास, नहीं पढ़ना तो देखिए जाइए, किसी और को डिस्टर्ब मत करिए। 2014 करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से अलग होके तेलंगाना बना था। ठीक है, तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इन्वेंटेड बाई वॉल्टर हंट, वॉल्टर हंट के द्वारा किस चीज़ को इन्वेंट किया गया था? शिप सेफ्टी पिन, स्कूटर एंड सेफ्टी लैम्प। वॉल्टर हंट ने क्या इन्वेंट किया था? शिप सेफ्टी पिन, स्कूटर एंड सेफ्टी लैम्प। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन विल बी द करेक्ट आंसर। हुमंग द फॉलोइंग वॉज अ लीडर फ्रॉम अलाहाबाद नाउ प्रयागराज इन द रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1857। तात्या तोपे, मौलवी लियाकत अली, खान बहादुर खान एंड रानी लक्ष्मी बाई। जल्दी से बताइए। देखिए 1857 रिवोल्ट से आपको क्वेश्चन पहले पूछा गया था एक कि उसमें कौन सा लीडर इन्वॉल्व नहीं था, तब भगत सिंह उसमें था हमारा नाम। लेकिन अभी पूछा गया कि अलाहाबाद से कौन से लीडर ने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, तो वो आपको बताना है। जल्दी से बताइए, फटाफट से कमेंट करके बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। हाँ यस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, मौलवी लियाकत अली। गुड आफ्टरनून राहुल राणा, वेरी गुड आफ्टरनून। नहीं तात्या तोपे करेक्ट आंसर नहीं है। यस राहुल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड राहुल, राइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, द बॉमदिला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बॉमदिला पास कहाँ पर लोकेटेड है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में तो आपका रोहतांग पास है, ठीक है। उत्तराखंड में हमने पढ़ा था लिपुलेख पास है। सिक्किम में हमने कौन सा पढ़ा था? नाथुला पास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपका बॉमदिला पास लोकेटेड है, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर गाइस। चलिए, किसी ने भी करेक्ट आंसर नहीं दिया इसका अभी तक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आशीष नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आरिक का करेक्ट है। तनिष, राहुल, राहुल कुमार, राहुल राणा नहीं, ऑप्शन डी नहीं होगा। अंकित, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, अरुणाचल प्रदेश विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द ट्रैक बॉल इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है आपका? इनपुट डिवाइस है, टच पैड है, आउटपुट डिवाइसेस है या बारकोड रीडर है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस, टच पैड, आउटपुट डिवाइस, बारकोड। तो ट्रैक बॉल क्या है? आपका एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाँ राइट, चलिए आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस करिश्मा, राइट ऑप्शन नहीं करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री इज द 2019 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन। 2019 का ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था? इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। अब एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे, जैसे डिफरेंट शिफ्ट्स में क्वेश्चन जो हैं आपके लगभग सेम है, लेकिन उनमें से जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो वैरायटी डिफरेंट है। तो जब भी आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो तो उसमें दो चार चीज़ों को आपका ध्यान रखना ही रखना है कि उसके आसपास से क्या और क्वेश्चन बन सकता है, वो सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। सो इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड, पाकिस्तान, कौन जीता था ये तो सबको पता ही होगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज इंग्लैंड। ट्रैक बॉल आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक है, जिसमें आपका ऐसे
सॉकेट में बॉल बना होता है, ठीक है, और उस बॉल के हेल्प से उसमें मतलब सेंसर्स लगे होते हैं, एंड उसकी हेल्प से आप जो है डिफरेंट मतलब पॉइंटिंग डिवाइस आप पॉइंट कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो इसमें प्रोट्रूडिंग आपका बॉल जैसा रहता है, ट्रैक बॉल माउस की तरह ये आपका आगे पीछे हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात, बताइए। अब ये क्वेश्चन का आंसर मैं बिल्कुल ही बताऊंगी, मैं कई बार बता चुकी हूँ, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास नहीं करता है, जल्दी से बताइए, फटाफट से कमेंट करके बताइए गाइस। यस शुभम, राइट ऑप्शन, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट है बिल्कुल। यस सूरज, राइट करेक्ट आंसर है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज आंध्र प्रदेश। देखिए सूरज, इट्स शुभम, देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है ना कि हर कोई हर एग्ज़ाम दे, है ना, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप उस पर फोकस करिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसने क्या किया है उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, है ना। तो आप फोकस करिए किसने आपको क्या करना है और आपको सही गाइडेंस पे चल के अपना जो भी आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है, सक्सेसफुल होना है, राइट। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आपकी जो स्टेट्स हैं कौन कौन से पास करता है ये आपका, स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है, इन सब से ही पास करता है आपका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डेप्यूटी ऑपरेशंस डायरेक्टर ऑफ द मार्स ऑर्बिटर मिशन, इनमें से कौन सा जो है डेप्यूटी ऑपरेशंस डायरेक्टर है मार्स ऑर्बिटर मिशन का, मौमिता दत्त, नंदिनी हरिनाथ, सीता सोमा सुंदरम एंड मिनाल रोहित, मार्स ऑर्बिटर मिशन के वन ऑफ द डेप्यूटी ऑपरेशंस डायरेक्टर थे, कौन थे, देखिए कहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछा है इन्होंने, जल्दी से बताइए। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज नंदिनी हरिनाथ, ठीक है, नंदिनी हरिनाथ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आगे बढ़े हम लोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, करिश्मा राहुल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, दैट इज नंदिनी नाथ। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया, सबसे दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक एशिया में कौन सी है, चिल्का लेक इन उड़ीसा, चंदू चांदुबी लेक इन असम, कोलेरू लेक इन आंध्र प्रदेश एंड धेबार लेक इन राजस्थान, सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज धेबर लेक इन राजस्थान, ठीक है, ये आपकी सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है एशिया की। चिल्का लेक से आपको याद आना चाहिए आपका जो रमसार साइट से, फर्स्ट रमसार साइट ये आपकी बनी थी भारत से, ठीक है। चलिए सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर गाइस। नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर 2019 में कौन सा इसमें से पेयर है इंडियन सिटीज़ का जिसमें आपकी जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ के नेटवर्क में इंक्लूड की गई थी, पुणे एंड हैदराबाद, जोधपुर एंड कोलकाता, हैदराबाद एंड मुंबई, दिल्ली एंड मुंबई। तो देखिए अगर आपका एग्ज़ाम हो रहा था, पहले तो मार्च के लिए शेड्यूल था 2020 के लिए, है ना, तो आपको अक्टूबर के करंट अफेयर्स पूछे गए थे, तो यानी कि आपके जो लास्ट 6 मंथ्स के तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, लास्ट 6 मंथ्स के तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो और ऐसा भी नहीं कि उससे पहले का ना पूछे, वो भी पूछ सकता है, लेकिन लास्ट 6 मंथ्स के आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सो अभी आपके लिए जो जनवरी से लेकर जून तक की एक करंट अफेयर्स मैगजीन आ जाएगी, ठीक है, और इससे पहले का जो आपका क्या कहते हैं जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो आपका मंथली मैगजीन है वो ऑलरेडी अवेलेबल है वेबसाइट पे, तो आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज हैदराबाद एंड मुंबई। यस आशीष, राइट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, सो ये हमारा फर्स्ट जो यहाँ पर आफ्टरनून शिफ्ट था 21 अक्टूबर का, वो फिनिश हो गया। अब हम लोग इवनिंग शिफ्ट को देख लेते हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए रेडी हैं आप सब लोग, मूव करें आगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज मॉडिफिकेशन पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स. सो कौन सी सेल ऑर्गेनेली इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्जी अपैरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जल्दी से बताइए, फटाफट से कमेंट करके बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज गोल्जी अपैरेटस. ठीक है, तो गोल्जी अपैरेटस जो होती हैं ये आपकी रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स. ठीक है, पुटिका कहते हैं इसको हिंदी में. नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट इज द चापचरकुट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च एवरी ईयर? हर साल चापचरकुट जो फेस्टिवल है कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? मिजोरम, उड़ीसा, नागालैंड एंड उत्तराखंड. यस, जल्दी से बताइए. सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज मिजोरम. देखिए गाइज, मेरे क्वेश्चन पढ़ने का वेट मत करिए, ठीक है, जल्दी जल्दी अपना आंसर्स करिए. कोई बात ही नहीं, आता है तो आ जाएगा, जब तैयारी कर रहे होते हैं तो तब तो आपका लर्निंग फेज होता है ना. चलिए, सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज मिजोरम. नेक्स्ट देखिए, इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 विच इज शॉर्टकट कीज यूज टू ओपन द डिजाइन टैब? डिजाइन टैब को खोलने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एफ थ्री, ऑल्ट प्लस जी एंड कंट्रोल प्लस के. यस यस, आशीष, करिश्मा, तनिषा, राहुल, राइट. प्रीवियस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका बताइए. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑल्ट प्लस जी. नेक्स्ट देखिए, द यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च अ कैंपेन टू रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टैलिटी ड्यू टू द निमोनिया इन नवंबर 2019. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कैंपेन? तो यूनियन मिनिस्टर हैं जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, उस टाइम पर उन्होंने निमोनिया के लिए एक 2019 में एक कैंपेन लॉन्च किया था ताकि चाइल्ड मोर्टैलिटी जो है, मृत्यु दर बच्चों में, वो कम हो सके. तो इस कैंपेन का नाम क्या है? बचपन, मुस्कान, सांस एंड जीवन. ये तो अभी भी चर्चा में आया था कैंपेन, अभी भी ये चर्चा में था. इसमें दो स्टेट्स ने इसको लागू किया था, अभी सांस कैंपेन को चलाया था. नो राहुल, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज सांस कैंपेन. ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. आशीष, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा. तनिषा, करिश्मा, चलिए नेक्स्ट देखिए. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिस और हर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ? तो भारतीय संविधान के हिसाब से कौन सा आर्टिकल कहता है कि कोई भी सिटीजन है उसका डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पर नहीं होगा? आर्टिकल 15, 45, 23 एंड 39. बहुत ईजी क्वेश्चन है ये. अगर एक बार भी गलती से आपने अगर आर्टिकल पढ़ लिए हैं तो फिर तो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 15. ठीक है, चल, यस 15 करेक्ट आंसर है. यस आशीष, अरेक, राइट. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए. ऑन हूज बर्थ एनिवर्सरी डिड काशीराम फाउंड द बहुजन समाज पार्टी? काशीराम ने किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे बहुजन समाज पार्टी को फाउंड किया था? बी आर अम्बेडकर, वामन चिंदूजी मेश्रम, देन ज्योतिराव फूले एंड पेरियर रामास्वामी. यस राहुल, करिश्मा, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है. यस तनिषा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए गाइस. सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज बी आर अम्बेडकर. ठीक है, बी आर अम्बेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स इज यूज टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक एंड रडार ऑफ नेशनल डिफेंस? कौन से टाइप के कंप्यूटर जो है ये आपके एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए और रडार जो है आपको उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? पर्सनल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर. जल्दी से बताइए. सो कौन से कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं आपके? हाइब्रिड कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है. क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज हाइब्रिड कंप्यूटर्स. चलिए, नो आशीष, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर वॉज द रामनाथ गोइंका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन इंडिया? देखिए, अवार्ड से क्वेश्चन पूछ लिया कि कब वो आपका पर्टिकुलर अवार्ड जो उसकी शुरुआत हुई थी. सो 2010, 2006, 2008 या फिर 2007.
फटाफट से बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। 2006 रामनाथ गोइंग का एक्सलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2006 में इंस्टीट्यूट किया गया था। नेक्स्ट देखिए, एक्वा रिजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। HCl और HNO3 को मिलाकर, ये आपके कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं दोनों, इनको मिलाकर एक्वारीजिया बनता है। तो किस रेशियो में दोनों को मिक्स किया जाता है, 2:3, 2:1, 2:2 एंड 3:1, फटाफट से बताइए। चलिए, सो किस रेशियो में इनको मिक्स किया जाता है, 3:1 रेशियो। तीन पोर्शंस लेते हैं आपका हाइड्रोक्लोरिक का और एक लेते हैं नाइट्रिक एसिड का, और इस तरह से जो एक्वारीजिया है ये आपका प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस आशीष, राइट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में पहला गोल्ड किसने जीता था, बजरंग पुनिया, गुरप्रीत सिंह, सुनील कुमार एंड ज्ञानेंद्र। यस, फटाफट से बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया ने जीता था। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर डिड बाबर डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। कौन से सन में बाबर की लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी से पानीपत पे, जब दिल्ली और आगरा को फिर उन्होंने कैप्चर कर लिया था, 1526, 1543, 1530 और 1494। यस तनिषा, आशीष, राहुल, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। आप लोग के कमेंट्स इतने लेट क्यों आ रहे हैं गाइज, आप लोग लेट ही कमेंट कर रहे हो, आपके लेट कमेंट्स आ रहे हैं, लेट ही कमेंट्स आ रहे हैं आपके। चलिए, सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज 1526, 1526। यस आशीष, राइट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 1526। नाइस, नेक्स्ट देखिए, एट विच पोजीशन वॉज इंडिया रैंक्ड एट द 14th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। 14वां आपका एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हुआ था, तो इंडिया की रैंक उसमें क्या आई थी टोटल मेडल टैली में, 5th, 4th, 2nd एंड 7th। तो ये तो शायद आपको नहीं पता होगा, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 4th रैंक आई थी। तो इस तरह के देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, चैंपियनशिप्स में भारत की क्या रैंकिंग रही, ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, नहीं आशीष, सिस्टम में कोई खराबी नहीं है, आप लोग का कुछ नेटवर्क इशू होगा जिसकी वजह से लेट कमेंट्स आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर आपका कौन सा सबसे ज़्यादा डोमिनेंट स्पीशीज है ट्री का, जो आपके ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में पाया जाता है, टीक ट्री, कोकोनट ट्री, डेडर ट्री एंड रबर ट्री। जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए कौन सा डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीज है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन है, दैट इज टीक पेड़। टीक का जो पेड़ है ये ज़्यादातर आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस में पाया जाता है। रबर ट्री जो है आपका जो ट्रॉपिकल बिल्कुल इक्वेटोरियल वाला जो रीजन होता है वहाँ पर ये पाया जाता है, रबर ट्री आपका ज़्यादातर। ठीक है, गुड आफ्टरनून शिवम, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट गॉडविन अस्टिन आल्सो नोन एज माउंट केटू। माउंट केटू के नाम से जो जाना जाता है माउंट गॉडविन अस्टिन, इसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर, 8511 मीटर, 8481 मीटर और 8091 मीटर। जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सो क्या हाइट है इसकी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8611 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द रिलीज ऑफ कॉमेमोरेटिव स्टैम्प टू मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ भाखरा नंगल डैम। भाखरा नंगल डैम की 50वीं सालगिरह बनाने के लिए सरकार ने कौन से साल में कॉमेमोरेटिव स्टैम्प इशू किया था। देखिए, इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भाखरा नंगल डैम जो है वो कब आपका बना था, उसके आप हिसाब लगाओगे फिर 50 साल और तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, है ना, अगर करंट अफेयर्स नहीं भी पता तो भी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 2013। ठीक है, 2013 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर वॉज द काजीरंगा नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड आर रिजर्व्ड फॉरेस्ट। कौन से साल में काजीरंगा नेशनल पार्क को रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पर डिक्लेयर किया गया था, 1925, 1940,
1908 और 1900। काजीरंगा नेशनल पार्क की हम बात करें तो ये आपका असम में लोकेटेड है, और जो वन हॉर्न राइनोज हैं वो यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज 1908। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन विच सिटी वॉज द 11th न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्क्लेव 2019 हेल्ड? 11वां न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्क्लेव 2019 में कहाँ पर हुआ था? बेंगलुरु, चेन्नई, न्यू दिल्ली एंड पुणे। यस, सो करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में 11वां न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्क्लेव हुआ था। नेक्स्ट देखिए, एज ऑफ जनवरी 2020 हाउ मेनी कल्चरल प्रॉपर्टीज फ्रॉम इंडिया वर इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो जनवरी 2020 के हिसाब से पूछ रहा है कि कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। 35, 30, 25 और 31, और ये भी कल्चरल पूछी है। देखिए ध्यान से पढ़िए, कल्चरल साइट्स आपको पूछी गई हैं। सो इसका करेक्ट आंसर सबको पता होना चाहिए, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कितनी कितनी कल्चरल साइट्स हैं हमारी। टोटल तो 38 हैं, इसमें आपकी कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड तीनों हैं। मिक्स्ड एक है जो कि सिक्किम में लोकेटेड है, नेचुरल 7 है और कल्चरल कितनी है? 30 हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 30, राइट? यस राइट आशीष, 31 नहीं है, 30 होंगी। अरे राइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज अपॉइंटेड एज द क्यूरेटर ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स इन 1880? क्यूरेटर ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स 1880 में किसको अपॉइंट किया गया था? H.H. कोल, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कानिंगहम एंड जेम्स फर्गुसन। तो किसको अपॉइंट किया गया था? 1880 की बात चल रही है, सो H.H. कोल को ये अपॉइंट किया गया था। ठीक है राहुल, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखिए, विच मुंबई क्रिकेटर बिकेम द यंगेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू स्कोर अ डबल 100 इन लिस्ट ए क्रिकेट? तो कौन से मुंबई क्रिकेटर थे जो यंगेस्ट बैट्समैन बने थे जिन्होंने डबल 100 लिस्ट ए क्रिकेट में बनाया था? सो भूपेन ललवानी, पृथ्वी शॉ, यशस्वी जायसवाल एंड हार्दिक तामोर। ये देखते हैं ये किसको पता होगा। लेट्स सी क्रिकेट लवर्स, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, दैट इज यशस्वी जायसवाल। ठीक है, यशस्वी जायसवाल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यस आशीष राइट। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑन 20 जनवरी 2020, इंडिया वॉज रैंक्ड एट विच पोजिशन? सो 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक इंडेक्स जारी किया था जिसका नाम था सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। इसमें भारत की पोजिशन क्या थी? 55, 40, 82 या फिर 76। यस शिवम, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, इसका आंसर बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज 76। ठीक है, 76 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डाई फ्लोरोमिथेन? CHCl F2, C2HCl2F3, CH2 FC F3 and CCl2F2। जल्दी से बताइए, डाई फ्लोरोमिथेन। देखो सिंपल सी बात है, नहीं भी आता तो ऐसे अंदाजा लगा लो, मीथेन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? 4 होते हैं, राइट? अब अगर इन हाइड्रोजन की जगह मैं आपको 2 क्लोरीन लगा दूं, ठीक है, और 2 फ्लोरीन लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा? CCl2F2, यही बन जाएगा ना? तो देखिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, यस आशीष राइट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। राहुल यस, शिवम ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तनिषा राइट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी कंट्रीज वर मेंबर्स ऑफ IFC टिल अप्रैल 2019 तक? अप्रैल 2019 तक IFC में कितने कंट्री मेंबर्स थे? 180, 196, 190, 185। जल्दी से बताइए, फटाफट से कमेंट करिए करेक्ट आंसर क्या होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 185 कंट्रीज। ठीक है, 185 कंट्रीज थी इसमें। ठीक है, क्लियर है, 185। चलिए आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। ऑन 19 जनवरी 2020 इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ न्यूक्लियर कैपेबल
K4 बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ द कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, व्हाट इज द स्ट्राइक रेंज ऑफ दिस मिसाइल? 3500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 700 किलोमीटर एंड 5000 किलोमीटर। तो 19 जनवरी 2020 को इंडिया ने एक न्यूक्लियर कैपेबल K4 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया था, इसकी स्ट्राइक रेंज क्या थी? सो करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज 3500 किलोमीटर, ठीक है, 3500 किलोमीटर इसकी रेंज थी। ऑप्शन ए राइट, राहुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स वाज कंफर्ड विद द 29th सरस्वती सम्मान फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन चेकबुक? तो अपने शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन चेकबुक के लिए किसको सम्मानित किया गया था सरस्वती सम्मान से? पद्मा सचदेव, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, व्यासदेव मोही एंड अमिताभ बागची। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा, फटाफट से बताइए। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज व्यासदेव मोही, ठीक है। सो यस आरिक राइट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कारिश्मा वेरी गुड। सो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन जो एंड होता है, अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा 4:30 पे आपकी क्वांट की क्लास होगी, देन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो 7:30 बजे होगा, जिसमें हम गवर्नमेंट स्कीम को कवर करेंगे। सो गाइज इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए।